आओ दोस्तों, पाठ सात, टिप टिप वाह। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा पे आधारित है, टिप टिप वाह। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले मैं ओरल बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर अभ्यास सारे, और फिर आखिर में मैं लिख के भी बताती हूँ। चलो शुरू करें पढ़ना। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का मीनिंग है बहुत जोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर, बेखबर का मीनिंग है अनजान, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलना का मतलब होता है हट भी करना होता है। मचल रहा था कहानी, एक्साइटमेंट थी कहानी सुनने के लिए। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। तो बुढ़िया क्या बोली, खींच कर मतलब गुस्सा होकर, इसका मतलब है गुस्सा होकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? ये देखो दादी से पूछ रहा है, ये शेर बाघ से भी बड़ा होता है टिप टिपवा? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, जब उसने दादी ने देखा ऊपर से पानी छत से टपक रहा है, उसको देखकर बोली, हाँ बचवा, वह शेरवा के डर ना भगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा का डर। तो ये जो यूपी के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही बोलते हैं, बचवा वाह लगा देते हैं, शेरवा वाह लगा देते हैं। संयोग से मीन्स होता है उसी समय, मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। कह रहे हैं वो जो संयोग से ना, मतलब उसी समय मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिप वाह कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप वाह से डरती है। उसने इसने क्या सोचा, ये देखो, इसे सोचा कि ये टिप टिप वाह कौन है, ये शेर बाघ से ज्यादा जो है ताकतवर है जिससे ये डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। ये सोच रहा है यहां से मुझे ही भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। वहां से वो भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उसने क्या देखा, ये पानी जो है घर पे उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर बताइए वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े।
मतलब और गुस्से में आ गए। झुंझलाना मीन्स चिढ़ जाना। मेरी मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, उसे जाकर कहीं देख। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। पंडित जी फिर क्या करने लगे? दोबारा से पानी उलीचने लगे। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने आए देखा ना ताओ और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने। उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा और उस पे मोटा लठ बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। वो एकदम उससे घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। उसने क्या सोचा बाघ ने? यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा, इतना मारूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ को कान पकड़ा और उसे, ये देखो उसका कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ, ये खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। देखो पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यानी कि वो खुली की खुली रह गई, वो बेहद हैरान हो गए। गिरिजा रानी अस्थाना ने ये कहानी लिखी है। अब इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी झोपड़ी में टपकने वाले पानी से परेशान थी। बाघ टिपटिपुआ से परेशान था। धोबी बारिश बा अपने खोए हुए गधे को ढूंढते ढूंढते परेशान था। पंडित जी घर में घुसे पानी को निकालने में परेशान था। ये फिलअप करेंगे यहाँ पे। अब ये आगे है, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। अब हमने इन्हें अपने शब्दों में लिखना है। जैसे टिप टिपुआ कौन सी बला है, तो इसको लिखेंगे टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है। जो ये मोटे अक्षरों में लिखा है ना, इसकी जगह हमने अपने शब्दों में लिखना है। तो इसको लिखेंगे टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है। दूसरा यहाँ है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच मोटा लिखा है ना, इसको देखना है। पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब इसको बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली की जगह हमने लिखना है, इसको लिखेंगे बाघ बिना सवाल जवाब डरा सहमा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। जरा अपनी छोटी पुस्तक पढ़कर, पोथी मतलब छोटी पुस्तक पढ़कर बताइए वह कहाँ है। याद करो तो, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो यहाँ लिखेंगे मैं इन चीजों के लिए मचलती हूँ। मीठी चीज खाने के लिए, आइसक्रीम व केक खाने के लिए, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। कौन है टिप टिपुआ? अगला अभ्यास। हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बगवा के डर, डर ता डर टिप टिपुआ का डर। तुम्हारे घर की बोली में
इस बात को कैसे कहेंगे? इसको हम कैसे कहेंगे? अपनी बोली में बताएंगे, हाँ बच्चा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, डर अगर है तो बस इस टिपटिपुआ का डर है। इस तरीके से हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? कहानी में टिपटिपुआ लगातार छत से गिरती बूंदे थी। मेरे हिसाब से हम इनको भी टिपटिपुआ कहेंगे। हमारी गली का कुत्ता, रात का अंधेरा, छिपकली, इन आदि को भी हम कहेंगे। अगला अभ्यास, बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो हमने अपने आप इसे आगे बढ़ाना है, क्या होता? यहाँ पे लिखेंगे, यदि उस दिन बूंदाबांदी होती तो चारों तरफ अच्छा मौसम होता। दादी अपने पोते को कहानी सुनाती, पोता कहानी सुनते सुनते सो जाता, झोपड़ी में पानी भी नहीं टपकता। इस तरीके से हमने ये अभ्यास को पूरा करना है। और गांव के लोग अपना अपना काम करते, धोबी का गधा भी गुम नहीं होता। अगला अभ्यास, तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? ये देखो बच्चों, दोस्तों बच्चों से पहले पूछो ये, फिर यहाँ पे वो फिलअप भी करें। अभ्यास में, खर खर काई की आवाज आती है, गहरी नींद होता भी ऐसी आवाज आती है। भिन भिन मधुमक्खी के छत्ते की आवाज होती है। ठक ठक लकड़ी में कील ठोकते समय ऐसी आवाज होती है। फिर चर चर कपड़े फाड़ने पर ऐसी आवाज होती है। फिर भक भक आग की मिट्टी में, आग की भट्टी होती है ना जो, उसमें भक भक आवाज आती है। तड़ तड़ मूसलाधार बारिश होने पर। धोबी ने खूंटा, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? क्या क्या बांधा जाता है खूंटे से? जैसे इसको बांधा है ना, दोस्तों पूछो बच्चों से क्या क्या बांधा जाता है। ऐसे गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा आदि ऐसे खूंटे से बांधे जाते हैं, एक से ज्यादा। एक कहानी सभी कहानियां लिखा है ना। अब हमने यहाँ पे अपने आप से भरना है। एक तितली, कई तितलियां, यहाँ पे भरो। एक बकरी, 10 बकरियां। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियां। एक खिड़की, 4 खिड़कियां। इस तरीके से यह अभ्यास कंप्लीट हुआ। आओ दोस्तों, पाठ 7, टिपटिपुआ। पहले इसके शब्द अर्थ बताते हैं। मूसलाधार, बहुत जोर से। बेखबर, अनजान। मचलना, हट करना। खींचकर, गुस्सा होकर। टिपटिपुआ, टिप टिप करके गिरती पानी की बूंदें। संयोग, उसी समय। मुसीबत का मारा, परेशानी में पड़ा हुआ। घबराना यानी कि डरना। छटपट, तुरंत। झुंझलाना, चिढ़ जाना। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? सारा गांव किससे परेशान था? बारिश से। दादी किससे परेशान थी? झोपड़ी में टपकते पानी से। बाघ किससे परेशान था? टिपटिपुआ से। धोबी किससे परेशान था? बारिश बारिश से, और अपने खोए हुए गधे को ढूंढते ढूंढते परेशान था। पंडित जी से किससे परेशान थे? घर में घुसे पानी को निकालते निकालते परेशान थे। मतलब बताओ, नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपुआ कौन सी बला है? ये लाइन खींची है ना जो अंडरलाइन, टिपटिपुआ कौन सी मुसीबत है? पत्नी की बात धोबी धोबी को जच गई, तो कैसे लिखेंगे? पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? बाघ बिना सवाल जवाब डरा सहमा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। पोथी मतलब छोटी पुस्तक। जरा अपनी छोटी पुस्तक पढ़कर बताइए वह कहाँ है।
अगला अभ्यास, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? मैं इन चीजों के लिए मचलती हूँ। मीठी चीजें खाने के लिए, आइसक्रीम व केक खाने के लिए, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए। कौन है टिप टिपुआ? हाँ बछुआ, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ का डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? हाँ बच्चा, ना शेर का डर और ना ही बाघ का डर, तो बस इस टिप टिपुआ का डर है। कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किन किन को टिप टिपुआ कहोगे? कहानी में टिप टिपुआ लगातार छत से गिरती बूंदे थी। मेरे हिसाब से ये सब टिप टिपुआ हैं, हमारी गली का कुत्ता, रात का अंधेरा, छिपकली आदि। बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस दिन बूंदाबांदी होती तो चारों तरफ अच्छा मौसम होता। दादी अपने पोते को कहानी सुनाती, पोता कहानी सुनते सुनते सो जाता, झोपड़ी में पानी भी नहीं टपकता, और गांव के लोग अपना अपना काम करते, धोबी का गधा भी गुम नहीं होता। तरह तरह की आवाज, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो वे आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं। ये वाली खर खर, ये अभ्यास में खोलो, ये वाला अपनी पुस्तक में दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न की तरफ जाएं तो वहां लिखा है, ये आवाज का नाम लिखे हुए हैं, हमें ये भरना है, नीचे फिलअप करना है। खर खर, गहरी नींद में भिन भिन मधुमक्खियों के छत्ते पे आवाज आती है। टक टक, जब लकड़ी पे कोई कील ठोकते हैं तो टक टक की आवाज आती है। चर चर, ये आवाज आती है जब कपड़ा फाड़ने पर आती है। भक भक, आग की भट्टी से आवाज आती है। और तड़ तड़, मूसलाधार बारिश होने पर आवाज आती है। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? देखो, खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा बांधा जाता है। एक से ज्यादा, एक तितली, कई तितलियां, एक बकरी, 10 बकरियां। ये लिखा 10 लिखा हुआ, ये लिखा है, हमने फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है एक चूड़ी, तो यहाँ लिखा ढेरों, तो चूड़ियां। यहाँ लिखा है एक खिड़की, यहाँ लिखा 4, तो खिड़कियां। धन्यवाद दोस्तों।